जय हिंद, नमस्कार मेरे सैन्य लाडो लाडलियो, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली जम्मू कश्मीर वाले बच्चों के लिए है कि एसएससी जीडी की जम्मू कश्मीर से कट ऑफ कितनी जा सकती है, फिजिकल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, मेडिकल कट ऑफ कितनी जा सकती है और फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है। इस बार काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे तो उनके लिए वीडियो है, स्पेशली केवल जम्मू कश्मीर वाले बच्चे इस वीडियो को देखें, ये आपके लिए पूरा का पूरा वीडियो। साथ ही आपके लिए एक बहुत ही शानदार जानकारी ये है कि लाडलो एक तारीख से कमांडो अकेडमी में मेडिकल बेस शुरू हो गया। अगर आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप मेडिकल कराने आ सकते हैं। दूसरा, एक तारीख से ही फिजिकल बेस भी शुरू हो रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए भी अकेडमी आ सकते हैं। अगर आप फिजिकल कराने के लिए आते हैं तो आपका मेडिकल बिल्कुल फ्री है। नीचे दिए गए नंबरों पर आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो। चलिए बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर से कितनी कट ऑफ जा सकती है। लाडलो में बताऊं, पिछली बार 2021 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 35 फिजिकल के लिए, तो इस बार कितनी जा सकती है ये भी आपके मन में कहीं ना कहीं आ रही होगी बात। तो इस बार जिस भी बच्चे के 60 नंबर है 160 में से, वो फिजिकल के लिए 100% जाएगा जनरल कैटेगरी से। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं, सॉरी एसटी एससी से हैं, तो आप 40 नंबर भी अगर आपके हैं तो भी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने के पूरे पूरे चांसेस है जम्मू एंड कश्मीर से। अगर आप एसटी कैटेगरी से या बॉर्डर एरिया से हैं, यानी जो एरिया पाकिस्तान के लगता है, ठीक है, तो पूरे पूरे चांस है कि आप 40 नंबर पर भी आपकी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पिछली बार 22 गई थी, यानी 20%, तो 16 × 2 = 32 और उससे भी हम 8 नंबर आगे माने तो 40 नंबर पर आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे। मेडिकल के लिए सर कितनी जा सकती है, तो मेडिकल के लिए लाडलो मैं बता दूं, अगर आपके आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 64 या 65 नंबर है तो आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर लोगे, और अगर आप एसटी कैटेगरी या बॉर्डर एरिया से या आप लड़की हो तो कितनी जा सकती है, तो 50 नंबर आपके हैं लाडले तो आप फिजिकल भी क्वालिफाई कर लोगे। एसएससी जीडी इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके 160 में से अगर 64-65 नंबर है, आप जनरल कैटेगरी से, तो यानी आप 100% मेडिकल तक जाओगे, मेडिकल कट ऑफ भी फाइट करोगे। और अगर आपके आप लड़की हो, एसटी कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो या एससी कैटेगरी से हो या बॉर्डर एरिया से हो, तो अगर आपके 50 नंबर भी है 160 में से तो भी आप क्वालिफाई हो जाओगे मेडिकल तक। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट की। पिछली बार जो फाइनल मेरिट गई थी बीएसएफ की, वो 48 गई थी जम्मू कश्मीर से, सीआईएसएफ की गई थी 51, एसएसबी की गई थी 49, आईटीबीपी की गई थी 49 और एआर की गई थी 46। कहने का मतलब ये कि पिछली बार के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस बच्चे के इस बार 70 से ऊपर नंबर है, यानी 160 में से जिस बच्चे के 70 से भी अगर ऊपर नंबर है, तो इसका मतलब है उसका पूरा पूरा चांस है फाइनल सिलेक्शन होने का। अब आप अगर मेरे से पूछोगे सर जनरल कैटेगरी से, यानी सबसे टॉप मेरिट, यानी उस बच्चे की नौकरी लगी जाएगी, आप वो कितने नंबर आंकते हो, तो मैं वो नंबर आंकता हूं 75 से 78 नंबर के बीच में या इससे ऊपर, जिन भी बच्चों के नंबर है जम्मू कश्मीर से अगर वो रहने वाले हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे ही रहेगी, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी या बॉर्डर एरिया या लड़की है तो इस नंबर पे आपका सिलेक्शन 100% है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आपके इससे ऊपर नंबर है, अगर आपको मेडिकल में कोई भी टेंशन है तो आप आ सकते हैं अकेडमी। दूसरा, अगर अभी तक आपने कमांडो अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। लाडलो, जय हिंद जय भारत।